सुबह के साथ बात करेंगे इंडियन सोसाइटी की, सीसीटीवी कैमरा की और देसी आंटीज। ये आंटियों को सब पता होता है कि बाजू की सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये सोसाइटी में क्या चल रहा है, पीछे सोसाइटी में क्या चल रहा है, आगे वाले घर में क्या चल रहा है, पीछे घर में क्या चल रहा है, आजू बाजू घर में क्या चल रहा है। इन बड़ों को ये नहीं पता उनके घर में क्या चल रहा है। और उनको ये पता है किस चूती ने आंटी को हक दिया कि तुम किसी भी घर पर जाकर तुम कलेश फैला सकते हो, क्यों, किसने, वो चूती इंसान को मिलना है तो तुमको किसने हक दिया कि तुम किसी घर पे तुम कुछ भी आके तुम अनाप से तुम बोल सकते हो कि इसका लड़का इससे मिल रहा है, उसका लड़का उससे मिल रहा है, इसका लड़का ये कर रहा है, उसका लड़का वो कर रहा है, इसका लड़का इससे घूम रहा है, इसका लड़कों से। तुम कौन होते हो आंटी? भाड़ में इज्जत कौन हो? तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाड़ में की दुनियादारी? आंटी आप लोग सोसाइटी के नाम पे सबसे बड़ा धब्बा हो, धब्बा। आप तो हमारी ले ही रहते हैं तो अंकल सोचा हम क्यों बैठे अकेले, अंकल भी लेना चालू हो गए। इन सबको पता नहीं क्या मजा आता है दूसरों घर में कलेश फैलाना, क्यों? और हर एक सोसाइटी में, हर एक जगह बात करो, हर एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई ना कोई ऐसी आंटी है, तुम ऐसी आंटी पूरा ग्रुप होता है, ये आंटी का पूरा ग्रुप होता है। हम सब टीम है उसकी, इतनी सारी बातें चल रही है, इतने लोग इतनी इतनी छोटी छोटी बात को इतने बड़े बड़े इशू बना के इतना चुगलिया करेंगे ना आंटी आज, पूरा इतना बड़ा, इतना बड़ा कोई ग्रुप होता है आंटियों का, हर एक सोसाइटी में थोड़ा ग्रुप होगा आंटियों का। और टीन एजर्स की गांड लग जाती है कि तुमको पता है इसका लड़का इससे मिल रहा है, इसका लड़का उससे मिल रहा है, उसकी लड़की इससे मिल रही है, इसकी लड़की ये कर रही थी, उस लड़की ऐसे कपड़े पहने, तुम्हारा क्या चाहता है? तुम हमको पैसे नहीं दे रहे, तुम हमको खर्चा पानी नहीं दे रहे हो, ठीक है? आ क्यों? हर एक छोटी छोटी टॉपिक को लेके छोटा छोटा कुछ भी इश्यूज वगैरह होता है, जैसे पानी वगैरह भरा जाना या फिर थोड़ा थोड़ा कचरा इधर से उधर हो जाना, इतना बड़ा इश्यूज कौन बनाता है यार, कौन बनाता है? तुम खुद की बुराई कर रही हो, बेइज्जती खुद, उसे चार लोग तुमको देख रहे हैं आंटी, जब तुम झगड़ा करने आते हो चार लोग तुमको देख रहे हैं। और मेरी बुराई तो हर एक जगह होती है, हर एक आंटी में मेरी बात तो चलती रहेगी। तो मेरे फैमिली अभी तो जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो ये आंटियों का पूरा ग्रुप स्प्रेड हो गया व्हाट्सएप पर आ चुका है, तो मेरे कुछ वीडियोस कुछ तो नहीं बोलते थे, एक वीडियो मैंने तो भाई व्हाट द फक इंडियन सोसाइटी बनाई थी मैंने, वहाँ पहुँच गई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बता दूँ, मेरे पास जो भी थोड़े बहुत जितने कंटेंट्स है उसमें गालियाँ थोड़ा है, थोड़े वर्ड्स ऊपर नीचे जो नहीं सुनने चाहिए किसी और को, टीनेजर्स के हिसाब से जो पूरा फ्रस्ट्रेशन होता था मैं वो वीडियो पर उतारता हूँ उनसे। तो प्लीज़ तुम लोग मेरी वीडियो देख लो, तो प्लीज़ कान में टिप्पणे लगा जरूर लगा रहे, टिप्पणे लगा के बिना वीडियो मत देखना, ठीक है ना? और ये आंटियों को क्या पता है यार, आंटियों को दूसरे के सबके घर में जाके पता है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है। आंटियों को इवन ये भी पता है उसके घर में क्या खाने को बन रहा है, आंटियों अपने घर में क्या चल रहा है उनको वो नहीं पता, उनके घर में क्या चल रहा है उनको वो ही नहीं पता, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उनके घर में क्या चल रहा है, उनका बेटा बेटी क्या कर रहे हैं। आंटी जब आप लोग रात को सोते हो ना तो आपके बच्चों के रूम के लाइट बंद होते हैं, फोन में वीपीएन होते हैं, ठीक है, रॉकेट छूट रहे होते, तुमको क्या लगता है जो जो रोज तुम्हारे बेटे बाहर जो चादर सूखा थे क्या लगता है सोते वक्त मूत दिए थे, हक दिया था है? थोड़ा दिमाग वापरो, थोड़ा दिमाग वापरो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना? तुम कोई नहीं होते, क्योंकि हमारा किसी के भी घर पे आके तुम ये नहीं बोल सकते तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, ठीक है ना? हमको हमारे घर वाले रख रहे, तुम लोग नहीं रख रहे हो, किसी का हक नहीं बनता। क्या बोलूँ मैं आंटी के बारे में यार, दिमाग खराब करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है। जब मैंने व्हाट द फक इंडियन सोसाइटीज बनाई थी उसमें थोड़ा बहुत मैंने आंटी के बारे में बोला था, मेरे को इतने मैसेजेस आए, इतने कॉल आए कि नहीं, तुम्हारा लड़का कैसा कर रहा है, तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, तुम्हारा लड़का ऐसे वीडियोस बना रहा है, उसको बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम जैसे बड़ों को तुमको थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। घंटा भाड़ में गई दुनियादारी, भाड़ में गई इज्जत, भाड़ में गई आंटियास। तुम्हारा काम क्या है यार, चुगली करना आंटियों पर? पता है एक टैगलाइन होनी चाहिए, देसी आंटी मेरा नाम, चुगली करना मेरा काम। कर जाओ बेस्ट रहेगी, बेस्ट में से बेस्ट, देसी आंटी मेरा नाम, चुगली करना मेरा काम। पता है नॉर्मल लोग कैसे उठते हैं, नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करने जाने का है, ब्रश करना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, मीटिंग जाना है, जो भी हो वो। और आंटी कैसे उठती है पता है, चुगली 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 चुगली, व्हाट द फक यार, सीरियसली मैन, तुम लोग थक नहीं जाते हो इतना चुगली करने में? तुम लोग को सिर्फ हम लोग ही क्यों दिख रहे हैं, तुमको तुम्हारे घर में कोई नहीं दिख रहा, तुम्हारे घर में बेटा बेटी है ना उन पर थोड़ा ध्यान दो ना, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उन पर ध्यान दो ना, उनका उनका कुछ नहीं दिख रहा, तुमको हमारा ही दिख रहा है। एक आंटी आके मेरे को आके पूछती कि बेटा तुम्हारे होठ इतने काले क्यों हो गए, चारों को ब्लो जॉब दे के आया हूँ मैं। आंटी सीरियसली, तो ये चीज़ आके पूरे मोहल्ले में हर आंटी को देख, बोले ना ना ना, तो कथन तो ऐसी बातें करता है, कथन ऐसे जॉब लेने लग गया, कथन मुंह पे बोलता है यार। आंटी
मैंने बाजार में एक आंटी को देखा था, उसके हस्बैंड के साथ मस्त हाथ हाथ पकड़ के यूं पूरा फुल रोमांटिक में टुन 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 करके चल रही है। मतलब वहाँ आंटी आप तो भारी रोमांस वगैरह दिखा रहे थे। तो आंटी बोले नहीं, हम तो हमारी शादी हो चुकी है, हमारी उम्र है, हम कर सकते हैं। अच्छा वो जो तुम करो वो ठीक है, और वो चीज़ हम करो तो हम गलत है। सीरियसली यार। और आंटी बोलो, मैंने आंटी में कोई वाकई में, वो आंटी बोलती है कि नहीं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, मैं सिर्फ अपने कमरे में बैठी रहती थी, चुपचाप शांति से बैठी रहती थी, अपना काम करती थी। मेरे को क्या पता, मेरे को कैसे पता, मैं कैसे यकीन कर लूँ, मैं उस टाइम था ही नहीं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ तो उस टाइम मैं कैसे मान लूँ ये चीज़। देसी आंटी चुगली करना इनका काम, क्या बोलने इनको यार, इनको जितना भी बोलो जितना भी सुनो उनको कम पड़ जाता है। और ये जो तुम लोग 1920s की 1980s की जो तुम लोग मेंटेलिटी लेके घूम रहे हो ना कि लड़की 20 साल की हो जाए तो शादी करा देना चाहिए, दहेज वगैरह रौला रोशन जो भी है, क्या है ना तुम्हारी मेंटेलिटी ना फेंक देना बराबर। 2021 चल रहा है, मेरा 2020 से गांड मार के चुका है, 2021 में मत यार दिमाग खराब करना बराबर, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ ना मैं सबके एक एक के ना एक एक के नाम लेना चालू कर दूंगा मैं, कि कौन सी आंटी क्या बोल रही थी, किसकी आंटी ने किसके घर में कॉलेज खुला, सब बोल दूंगा मैं वीडियो पे। ठीक है, दिमाग मत खराब करना तुम्हें 1980s के ना, तुम लोग तुम्हारे थॉट्स फेंक दो बाहर कचरे में, 2021 चल रहा है। जरूरी नहीं है कि 20 साल की 21 साल की लड़की हो गई तो लड़का ढूंढना चालू कर दो। तो आंटी हमें वही बात बताओ, आप लोग क्या लड़के जेब में लेके घूमते हो, हैं कि आप लोग क्या लड़के जेब में लेके घूमते हो, कि नहीं लड़की 20 साल की होगी लड़का देखने चालू करे, हम बताए बोले अच्छा लड़का ऐसा है वैसा है। तुम क्यों, तुम्हें इतना वो चुल होता है, क्यों तुम्हें वो होता है यार बेचारा, हम लोगों ने तो दुनिया देखना चालू करी, तुम पहले दुनिया बंद करा रहे हो हमारी। कसम से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई आंटी इसके आ गई ना घूमते फिरते, वो काला हिट नहीं आता, काला हिट वो लंबी पाइप वाला, मतलब आंटी ये घुसा अपने अंदर और छिड़को बराबर, ये छिड़कना जरूरी है, जब तक तो आपके अंदर जो कीड़े जो उछल रहे ना वो मरना जरूरी है, जब तक तो ये कीड़े नहीं मर गए ना तब तक तो तुम्हारी मेंटल सोच तुम्हारी बदलेगी नहीं ना, तब तक ये सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करेगी। आंटी तुम लोग सोसाइटी के नाम पर धब्बा हो धब्बा, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा 1920 1980s के थॉट छोड़ो, 2021 चल रहा है, थोड़ा मॉडर्न बनो। ठीक है ना, सबको हर एक चीज़ की परमिशन है, कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी से चाहे जिससे चाहे उससे मिल सकता है, तुम कोई नहीं हो तो उसको बोलने वाले। तो प्लीज आंटी हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज हमको छोड़ दो, हमको बख्श दो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मेरे को बहुत कमेंट्स वगैरह आए, मेरे को बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि प्लीज भाई आंटी पे वापस वीडियोस बना, और अगर मेरा इच्छा हुआ पार्ट 2 निकालना है आंटी पे तो मैं निकालूंगा, पर तुमको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। तुम वीडियो देख रहे हो तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चीटिंग करते हो मेरे साथ, इतना गला फाड़ रहा हूँ मैं कब से का, और आधी रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो प्लीज जाके मेक श्योर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तब तक ले टाटा बाय बाय, दूसरी वीडियो भी जल्दी लानी है मेरे को, तो बाय। इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं यूजर ना मेरा मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो करो, बाय बाय।